अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि डीसी और मार्वल में से आपको सबसे ताकतवर सुपर हीरो कौन सा लगता है तो आप क्या कहेंगे? वैसे मैं अगर अपनी या फिर ज्यादातर लोगों की बात करूं तो सब शायद सुपरमैन को ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो बताएंगे, लेकिन डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एक ऐसा सुपर हीरो या फिर एक ऐसा सुपर विलन है जो कि शायद सुपरमैन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसका नाम है एडम, जो कि योद्धा था शज़ैम का, लेकिन अपनी शक्तियों के गलत इस्तेमाल की वजह से वो एडम से ब्लैक एडम में कन्वर्ट हो गया था। आज हम उसी सुपर विलन ब्लैक एडम की कहानी आपके लिए लेके आए हैं। ये कहानी शुरू होती है ब्लैक एडम के धरती पर वापस लौटने से। अचानक एक रात को आसमान में से एक रोशनी दिखाई देती है जो कि सीधा आके धरती पर चट्टानों से टकराती है, और जब धुआं हटता है तो वहां खड़ा होता है ब्लैक एडम। वो बिली बैटसन को ढूंढ रहा होता है। अब हमें आगे कहानी में यंग बिली बैटसन को दिखाया जाता है, जिसे अभी तक उसकी पावर्स नहीं मिली है, मतलब कि अभी वो शज़ैम नहीं बना है। वो फॉसेट सिटी के स्लम में रहता है, जहां हमें ये बाद में पता चलता है कि बिली के फॉस्टर पेरेंट्स उसे घर से निकाल देते हैं, जिसकी वजह से उसे मजबूरन शहर की गलियों में भटकना पड़ता है। अब आगे हम देखते हैं कि बिली क्लार्क केंट के साथ डिनर पर जा रहा होता है, क्योंकि क्लार्क को बिली और उस स्लम पर एक आर्टिकल लिखना होता है। वो अपने आर्टिकल के थ्रू ये बताना चाहता था कि बिली जैसे बच्चे क्यों शहर की गलियों में भटकने के लिए मजबूर हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये यंग जनरेशन जुर्म की काले दुनिया में धकेली जा रही है। क्लार्क और बिली बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ब्लैक एडम उन पर अटैक कर देता है। बिली को समझ ही नहीं आता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ब्लैक एडम बिली पर इसलिए अटैक करता है क्योंकि वो जानता था कि बिली आगे चल के शज़ैम का अगला चैंपियन बनेगा। अब क्लार्क किसी तरह बिली को वहाँ से भगाने में कामयाब हो जाता है, और बिली के वहाँ से भागते ही क्लार्क सुपरमैन बन जाता है। ब्लैक एडम बिली के पीछे भागता है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन इस बार सुपरमैन बीच में आ जाता है। सुपरमैन शुरुआत में उसे बहुत ही भयानक टक्कर देता है, लेकिन वो भी ये सोचता है कि ये आखिर कौन है और क्यों इस बच्चे के पीछे पड़ा हुआ है। ब्लैक एडम एक विजार्ड और सॉर्सरस है, इसलिए अब वो क्रिप्टोनाइट पर भारी पड़ने लगता है, क्योंकि सुपरमैन भले ही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, पर वो मैजिक के सामने कमजोर पड़ने लगता है। बिली भी सुपरमैन और ब्लैक एडम की लड़ाई का फायदा उठा के सबवे से भागने की कोशिश करता है, जहां उसे कुछ लोग घेर लेते हैं, लेकिन वहां एक होमलेस की वजह से वो वहां से भी बच के भाग जाता है, पर तभी उसे आगे ब्लैक एडम पकड़ लेता है। लेकिन ब्लैक एडम इससे पहले कि उसे कुछ करता, बिली खुद को एक गुफा में पाता है, जहां एक जादूगर जिसका नाम शज़ैम होता है उससे बोलता है कि तुम्हें किस्मत ने चुना है और तुम अब से नए चैंपियन हो। वो जादूगर बिली को ये भी बताता है कि ब्लैक एडम भी एक चैंपियन है जिसे उसने 5000 साल पहले चुना था, लेकिन उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो राह भटक गया है। इसलिए उसे हजारों साल तक के लिए यूनिवर्स में भटकने के लिए छोड़ दिया गया था। वो जादूगर अपनी सारी शक्तियाँ बिली को दे देता है और बोलता है कि जब भी कभी तुम मुसीबत में हो बस मेरा नाम ले लेना। अब बिली उस गुफा से बाहर आ जाता है, जहाँ उसे ब्लैक एडम मिलता है। बिली जोर से शज़ैम चिल्लाता है और देखता है कि वो एक नए ही अडल्ट रूप में आ गया है। उसके अंदर बहुत सी ताकतें आ गई हैं, जैसे कि सुपर स्ट्रेंथ, स्पीड और बहुत कुछ। वो और सुपरमैन मिलके ब्लैक एडम से लड़ना शुरू कर देते हैं, जहां ब्लैक एडम समझ जाता है कि ये दोनों मिलके बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इसीलिए वो डिवाइड और रूल की पॉलिसी अप्लाई करता है, जिसमें वो शहर के पास के एक डैम को तोड़ देता है। सुपरमैन उस डैम के पानी को रोकने में लग जाता है, क्योंकि अगर पानी नहीं रुका तो वो पूरे शहर को तबाह कर देगा। अब बिली अकेला होता है ब्लैक एडम के सामने। बिली जो कि अब शज़ैम बन चुका है बहुत ताकतवर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी चीजों को समझ रहा है, इसलिए ब्लैक एडम उसके सामने कई ज्यादा ताकतवर है। उसे 5000 साल का एक्सपीरियंस भी तो है, इसीलिए अब लड़ाई में वो शज़ैम यानी कि बिली को मारना शुरू कर देता है। इसी लड़ाई के दौरान ब्लैक एडम एक आदमी को पकड़ लेता है और बिली को अपने असली रूप में आने के लिए बोलता है, क्योंकि वो भी ये बात जानता था कि वो बिली को शज़ैम के रूप में नहीं मार पाएगा। बिली को मजबूरन फिर से अपने नॉर्मल रूप में आना पड़ता है। ब्लैक एडम उस होस्टेज को मारने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर से सुपरमैन आ जाता है और वो ब्लैक एडम से बिली और उस होस्टेज को छुड़ा लेता है। बिली भी दोबारा अपने शज़ैम वाले रूप में आ जाता है, जहां सुपरमैन और शज़ैम मिलके ब्लैक एडम को हरा देते हैं। शज़ैम ब्लैक एडम को मारने ही वाला होता है, पर तभी सुपरमैन उसे रोक देता है। सुपरमैन बोलता है कि इसकी यही सजा है कि ये अनंत काल तक के लिए इस ब्रह्मांड में भटकता रहे।
लेकिन ब्लैक एडम बोलता है कि उसे कोई नहीं रोक सकता सिवाय मौत के। तभी हम फिर से एक बार उस होमलेस आदमी को देखते हैं जिसने बिली की मदद की थी सबवे में, और हमें वहाँ पता चलता है कि वो आदमी दरअसल में बिली का केयरटेकर होता है जिसका नाम टॉकी टोनी होता है और जो कि एक ह्यूमनॉइड टाइगर है। वो आदमी तुरंत अपने असली रूप में आ जाता है। अब हम फिर से एक बार ब्लैक एडम को देखते हैं जो कि अपने असली रूप टेथ एडम में आ जाता है। उसका शरीर अब बूढ़ा हो चुका है। ब्लैक एडम वहाँ से चला जाता है लेकिन वो मरा नहीं है, वो फिर से आएगा और इस बार वो और ताकतवर होकर आएगा। ये कहानी तो यहीं खत्म हो जाती है, पर शज़ाम और टॉकी टोनी के एडवेंचर की तो अभी शुरुआत हुई है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में सबसे पावरफुल हीरो कौन सा लगता है। साथ ही में हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।